नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ये जबरदस्त रैली दिखा रहा है दोस्तों। प्लस जो जो कहते हैं ना दोस्तों, पॉजिटिव खबरों का आना अब लगातार जारी दोस्तों, क्योंकि एक और अच्छी खबर आई है हार्ले डेविडसन की तरफ से हीरो मोटोकॉर्प को लेकर के, और अभी 5-6 घंटे पहले की ही न्यूज़ है। मतलब मंडे को इसका असर पता नहीं दिखे ना दिखे दोस्तों, क्योंकि अमेरिकी बाजार बहुत बुरी कदर गिरे हुए हैं दोस्तों। SGX निफ्टी भी बहुत दबाव में है, इसीलिए मंडे को भी भले ही असर दिखाए ना दिखाए दोस्तों, लेकिन आने वाले कुछ मैं कहता हूँ या 3 से 4 दिनों में ये शेयर अब अपनी और तरह की बुलंदियों की ओर जाने तैयार है दोस्तों। ठीक है, तो क्या इसमें अब निवेश करें करेंट मार्केट प्राइस में, या अगर करना भी तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और अगर अपन ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट कमा चुके हैं तो क्या करना चाहिए दोस्तों, सब एनालिसिस करेंगे दोस्तों। थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और न्यूज़ भी देखेंगे कि आखिर वो क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पहले भी बता चुका अपने वीडियोज़ में कि जो हम लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों, उसमें से केवल 8.1% ऐसे हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब किए हुए हैं दोस्तों। बाकी जितने ट्रैफिक है दोस्तों, और बिना सब्सक्राइब किए आ रहे हैं, मतलब लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को दोस्तों। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी हम हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं, लेकिन कृपया करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा चलते दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। आप स्टेशन तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.16% की आप तेजी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आप देखिए कि पिछले पांच दिन अगर मैं दिखाऊं तो इसने 4.5% की एक तेजी दिखाई है, और अगर एक महीने की बात करें तो लगभग 8% की दोस्तों। ठीक है, और ये जो भी रैली है गाइस, उसके साथ ऐसा है कि एक डिप लगाया इसने 2647 का, और वहां से जो इसने तेजी दिखाई है, आप देखिए 10.5% की तेजी है, 10.5% के आसपास की तेजी है। यानी ये तेजी दोस्तों बहुत जबरदस्त आई है, और ये कब से आई है दोस्तों, जिस दिन इसने रुपीस तोड़ा था, कितना दोस्तों, लगभग आप मान के चलिए 2700 रुपए के आसपास ऊपर से ट्रेडिंग शुरू हुई थी, तो एक नया ब्रेकआउट मिला था, क्योंकि ये बहुत दिन से 2700 को सपोर्ट ले रहा था दोस्तों। लेकिन जब ये टूटा, उसके बाद से लगभग 2632 के आसपास एक सपोर्ट लेकर के बढ़िया वॉल्यूम के साथ कारोबार की तेजी हुई है दोस्तों। ठीक है, और ये जो तेजी है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो शेयर है ये अगर मैं टेक्निकली आपको बात करूं तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है दोस्तों। ठीक है, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है दोस्तों। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं, जिस दिन ये शेयर दोस्तों 3050 के लेवल तोड़ेगा, मैं बता दूं 3050, जिस दिन ये लेवल तोड़ेगा दोस्तों, आप एक नई रैली इसमें देखेंगे, नई री रेटिंग देखेंगे, और 3000 से लेकर के दोस्तों 3050 इसका दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। ठीक है, और वहां से अगर तेजी होती है तो ये जबरदस्त तेजी होगी दोस्तों, और मुझे लगता है वो होनी भी चाहिए। क्यों दोस्तों, पहला तो ये है दोस्तों, फेस्टिव सीजन के ऊपर इतनी निगाहें टिकी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, और हीरो कितना कॉन्फिडेंट है अपने फेस्टिव सीजन को लेकर के, आप देखिए इस लाइन को पढ़िए, दैट हीरो मोटोकॉर्प विल मेक एन अपवर्ड रिविजन इन द एक्स शोरूम प्राइजेस ऑफ इट्स मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2021। नाउ द प्राइस हाइक हैज बीन नेसेसिटेड टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ स्टेडली इंक्रीजिंग कॉमोडिटी प्राइसेस। दोस्तों, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो भी बैटरी और ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसको सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो है उसके कॉमोडिटी प्राइसेस से दोस्तों। नाउ द प्राइस हाइक अक्रॉस द रेंज ऑफ मोटरसाइकिल स्कूटर विल अप टू ₹3000। ठीक है, द एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ इंक्रीज विल डिपेंड ऑन द मॉडल एंड द मार्केट with several positive indicators the company remains optimistic about demand as it gear up for upcoming festive season। to aap samajh rahe honge dosto ki kyun festive season mein jab log discount dete hain ye bikes automobile hero wala khas karke hero wale apne prices ko badha rahe hain dosto aur main bata dun ye galat nahi kar rahe dosto is baar ka jo season hai wo bahut important hai puri industry business ke liye fir chahe aap baat kar le automobile ki aap baat kar le white goods ki aap kisi ki bhi baat kar le dosto demand revival ka ye festive season bahut hi bada mauka hai guys theek hai aur jo main aapko bata du jo abhi abhi news aayi hai dosto
वो बहुत ज्यादा चीज लिए है कि आप देखिए इसमें लिखा है हीरो मोटोकॉर्प वर्किंग इन फुल स्विंग टू इंट्रोड्यूस रेट्रो स्टाइल हार्ले डेविडसन। जी हाँ दोस्तों, रेट्रो स्टाइल हार्ले डेविडसन अब भारत में लॉन्च होगी दोस्तों, ठीक है। इसमें थोड़ी सी न्यूज दोस्तों, लीडिंग टू व्हीलर मेकर हीरो मोटोकॉर्प इज गोइंग फुल थ्रॉटल टू लॉन्च अ हार्ले डेविडसन मॉडल विद रेट्रो स्टाइलिंग एट इट्स लुक टू एंटर अ वेरी प्रॉफिटेबल सेगमेंट इन द प्रीमियम मोटरसाइकिल स्पेस अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिशियल। दोस्तों प्रीमियम जो बाइक चेन, प्रीमियम जो बाइक होती है ना, उस पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट और मार्जिन होता है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है द अलायंस बिटवीन हीरो एंड हार्ले डेविडसन फ्रुक्टिफाइड लास्ट ईयर आफ्टर द आइकॉनिक यूएस टू व्हीलर मेकर अनाउंस इट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन इंडिया अ डिकेड आफ्टर इट स्टार्टेड सेलिंग इट्स प्रीमियम बाइक इन द कंट्री, ठीक है। दोस्तों ये तो हमें पता है भाई कि जब ये बाहर गई थी ये कंपनी हार्ले डेविडसन, तो उसने हीरो के साथ टाई अप कर लिया था। तो आगे है देर आर टू लेग्स टू द हार्ले टाई अप स्ट्रेटजी। वन ऑफ कोर्स दैट वी आर द सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर फॉर हार्ले बाइक्स इन इंडिया, वी हैव 14 डीलर्स अक्रॉस 30 टच पॉइंट्स एंड दैट इज गोइंग वेल। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी इज टू लॉन्च अ बाइक इन दैट रेट्रो सेगमेंट विच इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ओवरऑल प्रीमियम सेगमेंट आउट ऑफ द प्रॉफिट पूल, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे ये कितने सीरियस है प्रीमियम बाइक को लेकर के दोस्तों, हीरो वाले। आगे इसमें लिखा है I dare say that the segment probably have around 60-70% of the profit pool of premium segment. So that is the second leg of the strategy. दोस्तों ये जो bike है ना, उसके 60-70% इसका market share है premium bikes में, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों Hero MotoCorp आने वाले समय में बहुत तेजी दिखा सकता है, लेकिन आप, मैं हमेशा कहता हूँ be cautious, गिरावट होती है, levels में ध्यान दें, हर एक strategy बनाए कि भाई मैं हर 100 रुपए की गिरावट में एक शेयर लूंगा, या जो भी आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। हर की रिस्क कैपिटाइट अलग होती है, आप खुद की रिस्क कैपिटाइट बनाएं और अपने पोर्टफोलियो का दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैक्सिमम 10%, इससे ज्यादा कितनी भी अच्छी शेयर हो दोस्तों, कितना भी अच्छा शेयर हो, कभी भी इससे ज्यादा एलोकेशन नहीं करते हैं। और ये 10% भी दोस्तों होता है केवल केवल ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए, ना कि पैनी स्टॉक्स के लिए। वो केवल 2-3% का आपके पोर्टफोलियो में जगह होनी चाहिए, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों आने वाले समय में बहुत ही गजब की री रेटिंग आपको दिखा सकता है। प्लस हीरो मोटोकॉर्प मंडे को कैसे होगा ये तो हम नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि बाजार में बहुत दबाव दिख सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर थोड़ा गिरावट के साथ ही शुरू होता है दोस्तों, और मार्केट अगर मार्केट एंडिंग आवर्स में थोड़ा संभलता है, तो उसमें फिर से आपको तेजी दिख सकती है। तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर ये न्यूज भी थी और बताना भी था कि आने वाला समय हीरो मोटोकॉर्प के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो यहां तक देखें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।